कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोगनीपुर तहसील में बेरोजगारी और किसान बिल को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। सपाइयों के प्रदर्शन को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देशानुसार जनपद कानपुर देहात की सभी तहसीलों मुख्यालयों में सपा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, कोरोना घोटाला व किसान बिल को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हिमांशु यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद राज्यपाल के नाम 12 सूत्री ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी ने तहसील मुख्यालयों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था भी परखी। जो आप लोग आज जुलूस निकाल रहे हैं धरना प्रदर्शन का, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चल रही है, जहां इस कोविड की वजह से पूरी तरीके से इस देश का लगभग 70% नौजवान बेरोजगार हो गया है, हम उस बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ बनकर आज अपनी बात SDM महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कल हजरतगंज चौराहे पर एक नौजवान को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और पूरी तरीके से यहां पर एक लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मार दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये सरकार केवल जात विशेष के लोगों पर केंद्रित होकर एक जात विशेष की सरकार चल रही है। ये किसी आम आदमी की, ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, एक विशेष जात के नाम से चल रही है। हम लोग इस सरकार के खिलाफ आज पूरी ताकत के साथ जा रहे हैं और हम लोग इस संघर्ष की लड़ाई को, इन नौजवानों की लड़ाई को, इन बेरोजगारों की लड़ाई को, इन किसानों की लड़ाई को लेकर अपनी अंतिम सांस तक हर समाजवादी लड़ता रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में बहुत बड़े स्तर पर धरना हो रहा है और ये धरना प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है। ये 2022 की सरकार बदलने तक इसी तरीके से हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो संसद के अंदर का हो, हम लोग बराबर संघर्ष आम जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे। वसूली कोरोना संकट काल में रोकी जाए, फर्जी एनकाउंटर बंद हो, हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच हो, छात्रों की 5 महीने लॉकडाउन अवधि की फीस माफ की जाए, बड़े स्कूलों में पात्र गरीब छात्रों को प्रवेश दिलाया जाए, बीएड व अन्य पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू हो, अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं, अपराधियों की जमानत न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक की जाए, सरकारी सेवाओं में वर्ग खा और गा के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का फर्जी केस लगाकर उत्पीड़न तत्काल बंद हो। इसका उद्देश्य है जो कोरोना में महामारी चल रही थी, इसमें ना गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे पाई इलाज के नाम पे, ना ही, और इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इसी पर्पज़ से हम लोग धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देंगे शांति के लिए।